आज मैं बना रही हूँ पुलाव। सिंधी उसको भुग्गा चावल बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मटर 1 कप, 2 प्याज जिसको हमने कट कर दिया है, नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च और ये 1 बड़ी इलायची, 4 काली मिर्ची, 2 लौंग, थोड़ा ये दालचीनी और 2 तेज़पत्ता, ऑयल, पानी। अब मैं पुलाव बना रही हूँ। सबसे पहले गैस जला दिया है, हंडी गर्म हो गई है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद ये प्याज डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ये प्याज डाल दिया। प्याज को हल्का क्या, इसको ज़्यादा ही लाल करते हैं, नहीं तो उसमें ना कलर अच्छा नहीं आता है। इसको थोड़ा डार्क ब्राउन करते हैं। प्याज थोड़ा लाल हो रहा है, अब इसमें ये गरम मसाला जो मैंने 4 ये काली मिर्ची है, 2 लौंग और ये इलायची बड़ी वाली, इसको मैंने थोड़ा खोल दिया है जिससे उसकी खुशबू अच्छी आएगी, और ये दालचीनी। ये घी में ऑयल में थोड़ी ये भुनेगी ना तो उसकी खुशबू अच्छी आएगी, और ये तेज़पत्ता 2। अभी और थोड़ा लाल होगा प्याज। ये ठंड में ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मटर का सीजन है ना, बहुत मटर से ना बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और जब मटर नहीं रहते हैं तो ऐसे सादा भी बना लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मटर से ज़्यादा टेस्ट आती है। अभी थोड़ा और लाल होगा। अब देखिए ये प्याज एकदम डार्क कलर में हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे, ये प्याज थोड़ा सा मिक्स हो गया। थोड़ा 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। हल्दी एकदम 1 चुटकी, जरा सी, देखिए इतनी सी, खाली इसका वो कलर थोड़ा निखर जाए। और ये मटर डाल देंगे हम। आजकल तो खैर मटर जल्दी गल जाते हैं तो इसको गलाने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत पक्के होते हैं ना तो थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ देते हैं, थोड़े गल जाते हैं फिर बनाते हैं। अब इसमें चावल डालेंगे। ये चावल मैं बताना भूल गई, उधर सोख करके रखा था 1 घंटा पहले। 1 कप चावल है तो इसमें मैं 2 कप पानी डालूँगी। पानी चावल के हिसाब से डालना पड़ता है। चावल को मैं भून रही हूँ। चावल भून गया है, अब इसमें ये 2 कप पानी डाल दूंगी। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, पहले थोड़ा इसको फुल पे ही रखेंगे जब तक ये बॉयल हो, फिर इसको सिम करके ढक्कन लगा के छोड़ेंगे। फिर बीच बीच में देखना पड़ता है 2-2 मिनट पे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप चावल के हिसाब से अपना डालिएगा, जैसे 1 कप है तो मैंने 1 चम्मच डाला है, और कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब देखिए चावल बॉयल हो रहा है,
अब इसको सिम करके ढक देंगे 5 मिनट तक, उसके बाद फिर खोल के देखेंगे। देखिए अब ये पानी लगभग सूख गया है, बस थोड़ा सा और है। अभी इस टाइम पानी है तो उसमें आप इस तरह से घुमा सकते हैं, जब पानी सूख जाएगा तो इस तरफ से नहीं घुमाएंगे, इसको फिर इस तरफ से घुमाएंगे, तब वो चावल के हैं ना टूटेंगे नहीं, गल जाते हैं ना, अगर ऐसे घुमाएंगे तो फिर वो टूट जाएंगे चावल। अभी इसको थोड़ी देर सिम पे रख देते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं चावल बनने में। देखिए अब चावल लगभग हो गए हैं, बस 1-2 मिनट और लगेगा। इसको इस तरह से देखेंगे चावल गला की नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा हल्का सा दबने में दिक्कत है, जब पूरा दब जाएगा एकदम आराम से तब समझिए चावल गल गए हैं। बस 2 मिनट और लगेगा, पानी तो सूख गया है, बस थोड़ा सीजे। देखिए अब पानी सूख गया है, चावल देखें गले कि नहीं, इसको इस तरह से देखेंगे। देखिए ये एकदम अब आराम से गल गया है, ये मटर भी गल गए हैं, ये भी गल गए हैं, दोनों गल गए हैं। याद रखिएगा जब अगर ऑफ सीजन के मटर होते हैं ना तो जल्दी नहीं गलते हैं, उसको जब प्याज में पानी डाल के मटर भी डाल दीजिए, फिर इसको थोड़ा सिझा के मटर को, उसके बाद चावल डालिए, नहीं तो मटर कच्चे रह जाएंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। चावल बन गए हैं, अब ये चावल बन गए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोग को बासमती चावल अच्छा लगता है तो आप वो भी बना सकते हैं, मेरे को नहीं पसंद इसलिए मैं ये छोटे चावल ही बनाती हूँ। मेरे को तो भूख लग रही है, मैं तो चल रही हूँ खाने, आप लोग भी बनाइए खाइए और मेरे को कमेंट्स करके बताइए कैसे लगे।